स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए दिन में। आज बज रहे हैं अभी सुबह के 5:25 और मेरे को जाना है 1 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा वॉक करके एक पिकअप लोकेशन पे, जहाँ से मेरे को एक मिनी वैन टाइप मिलेगी। मतलब मैंने बुक करा है, पूरा टूर का टूर बुक किया है मैंने, तो मिनी वैन टाइप मिलेगी और वो मेरे को लेके जाएगी चिचन इट्ज़ा। चिचन इट्ज़ा घुमाएंगे, फिर एक सेनोटे घुमाएंगे और एक दो जगह और घुमाएंगे, फिर उसके बाद मेरे को वापस यहीं पे लेके आएंगे। पर मैं यहाँ पे आऊँगा नहीं, मैं बीच में ही एक गांव है चिचन इट्ज़ा के पास, वहाँ पे 2 दिन रुकूँगा। तो अभी चलते हैं, वॉक करते हैं भाई। बिल्कुल मन नहीं था सुबह उठने का, पर मैंने कहा यार चल लेते हैं, इतने पैसे खर्च कर रखे हैं, मिस हो गया तो चेंज वेंज भी नहीं कर सकते टाइम। और चिचन इट्ज़ा के सारे टूर निकलते ही सुबह हैं, क्योंकि फिर मतलब जो प्रीमियम टूर्स होंगे ना वो सुबह निकलेंगे सारे, और जो मतलब ऐसे घिसे पिटे टूर से होंगे ना वो शाम से को मतलब सुबह लेट निकलेंगे, तो मतलब भीड़ हो जाएगी वहाँ पे। तो इसलिए मैंने ये सबसे अर्ली मॉर्निंग वाला टूर लिया है कि भाई इससे अर्ली तो क्या ही होगा, 5:30 बजे निकल रहे हैं हम, तो 5:45 को वैन चली जाएगी। तो मैं एक बार मैप देख लेता हूँ, पहुँच जाता हूँ और आज आपको घुमाएंगे एक और वंडर ऑफ द वर्ल्ड, जो ये मेरा होगा 6th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। बस इसके बाद मेरा बच जाएगा माचू पिचू जो पेरू में है। ठीक है यार, अपना वंडर ऑफ द वर्ल्ड है इसलिए फेमस है, तो देखना तो बनता ही है। और भाई मैंने क्या करा ना, अपने बड़े वाला बैग ना यहीं पे हॉस्टल में ही छोड़ दिया। $5 per day दिए मैंने उस बैग को रखने के यहाँ पे हॉस्टल में, $5 से भी थोड़े ज़्यादा मान लो आप, मैंने दे दिए यार। अब ये बात थी, मैंने इस बैग में मैं सामान लेके आ गया जो मेरे को मतलब उस गांव में 2 दिन पहनना है, मैं उस बैग को कहाँ लेके घूमता फिर, उसको उठाओ लेके जाओ, जबकि मेरे को वापस इसी हॉस्टल आना है। तो इसलिए मैंने इस एक काम करा, मैंने कहा भाई तुम इस बैग को यहीं पे रख लो, 2 दिन के लिए मैंने जमा करा दिया वो बैग और अपना ठीक है, फ्री हो गए उसको लेके घूमते। तो $5 per day के हिसाब से लिया है उन्होंने, मैंने कहा ठीक है। तो भाई चिचन इट्ज़ा के जो नियरेस्ट टाउन है, दो सबसे जो सबसे फेमस हैं बड़ी वाली सिटीज़, एक है मरीदा और एक है कैनकून। कैनकून जिसमें मैं हूँ अभी, मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आप मेरी तरह मेक्सिको सिटी से आ रहे हो ना, तो आप एक काम करना कि आप फ्लाइट लेना मरीदा की, ठीक है। मरीदा से टूर लेते लेते आप आ जाना चिचन इट्ज़ा, ठीक है, और फिर वहाँ से आप आ सकते हो बस लेके दूसरी वाली कैनकून। तो उससे क्या होगा कि आपको एक ही रोड पे 2 बार आना जाना नहीं पड़ेगा, और यहाँ अंधेरा हो जाता है ना और फ्लैश आँख में लगती है तो कुछ दिखता नहीं आगे का। हाँ, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा ये करना, पर मेरे को यार मैंने जल्दीबाजी में कैनकून की फ़्लाइट करा दी, वरना मैं भी मरीदा की फ़्लाइट कराता। और चिचन इट्ज़ा के पास एक गाँव है, बहुत फेमस है वो गाँव, मतलब काफ़ी पुराना सा है, वाया दोलित करके, वाला दोलित लिखा होगा वैसे, ये डबल एल को वाई बोलते रहते हैं, ठीक है, तो वाया दोलित, तो वो काफ़ी फेमस गांव है, उसका भी टूर वगैरह होता ही है वो। पर मैंने सोचा एक काम करते हैं, 2 दिन उस गांव में रुक ही जाते हैं, देख लेते हैं मैक्सिको गांव भी कैसे है ना, तो 500 मीटर और चलना है अभी। भाई अब पहुंच गए हैं हम चिचन इट्ज़ा और यहाँ पे टाइम अभी 8 बज रहे हैं। तो मैंने कहा यार बड़ी तेज़ गाड़ी चलाई कि भाई 170-180 किलोमीटर 1.5 घंटे में, पर फिर उसने बताया कि जो चिचन इट्ज़ा की स्टेट है मेक्सिको की, ये 1 घंटा पीछे चलती है जिस स्टेट से हम आए हैं। हम आए हैं क्विंटानो रू करके, वो कैनकून है मतलब स्टेट एक तरह से कह सकते हो, और अभी हम आ गए यूकाटान स्टेट में, ये कैनकून से 1 घंटा पीछे चल रहे हैं। मतलब बस तो असली में 9 रहे हैं, 2.5 घंटे लग गए पहुंचने में, 2.5 नहीं मेरे लिए तो 3 ही लग गए, क्योंकि इन्होंने बाद में भी पैसेंजर्स उठाए तो उसमें करते करते कैनकून से 6:30 बजे निकले थे हम, तो 2.5 घंटे में हम पहुंचे चिचन इट्ज़ा। अब भाई ये लगी है लाइन टिकट्स के लिए, पर मेरे को लेनी ही नहीं टिकट, क्योंकि मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। गाइड के साथ आने का ये फ़ायदा होता है टूर में कि इस लाइन में नहीं लगना पड़ेगा आपको, देखो। और भाई टिकट के प्राइस बढ़ गए, 614 मेक्सिकन पैसो,
भाई अगर आप बैग के साथ आते हो ना तो यहाँ पे लॉकर स्टोरेज भी है, 50 पैसे छोटे लॉकर का, और मतलब वही है, छोटा लॉकर ही ले लेना, देख लेना साइज। मैंने तो गाड़ी में रख दिया अपना सामान ना। तो भाई ऐसी कुछ टिकट है, ठीक है, इसमें 524 की तो मतलब टिकट है, और 90 रुपये का, 90 पैसों का ना इन्होंने कोई टैक्स पैक्स सा जोड़ रखा है, पता नहीं क्या है ये, पर हाँ 614 की टिकट अगर आप आते हो तो, जो कि लगभग 2700 रुपये बन जाते हैं, $35 की टिकट है एंट्री के चीज़ें इंडिया की। तो भाई यहाँ पे अपना गाइड ठीक है बंदा, जो परमवीर के साथ गाइड आया था आप उसकी वीडियो में देखना, परमवीर उससे पच लिया था गाइड से, मतलब एक तो अच्छी तरह बात ना करे कोई, चलो चलो चलो, ये बिल्कुल टेंशन में नहीं है बिल्कुल, कि घूमो जितना घूमना है, खुद 2 बार टॉयलेट जा चुका है। एक दिक्कत क्या हो गई इस टूर में ना, मैंने स्मॉल ग्रुप वाला लिया, इसमें क्या दिक्कत हो गई यार, स्मॉल ग्रुप वाले में ना थोड़े अमीर लोग आते हैं, और मैंने स्मॉल ग्रुप वाला क्यों लिया मैं बताता हूँ, अमीर लोग आते हैं तो भाई या तो कपल है, ठीक है, 4 तो कपल आ रखे हैं हमारे इस वाले टूर में, और एक अकेली लड़की है, जो कि मतलब मेरे को नहीं लगता बिल्कुल बात करने में इंटरेस्टेड है, मेरे को बात करने से कोई मतलब नहीं है, मेरे को ये था कि कोई अपने जैसा बंदा मिल जाए ना तो फोटो वीडियो अपनी बेटर बन जाएगी, पर चलो कोई दिक्कत नहीं, अब देखते हैं कैसे गाइड से खिंचवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइड कह रहा हाँ हर साल 1 फरवरी को यहाँ पर टिकट के प्राइसेस बढ़ा देते हैं लोग, तो मतलब हर साल तो नहीं, 1-2 सालों में बढ़ाते रहते हैं, कह रहा बहुत महंगी टिकट है। मैंने कहा भाई पेट्रा से फिर भी सस्ती है, आज तक का सबसे सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव वंडर है मेरा ये, 6th वंडर है मेरा ये, इससे पहले 5 विजिट कर चुका हूँ, तो सही है, देखते हैं क्या देखने को मिलता है और कैसी फ़ोटो आती है, आ जानी चाहिए ठीक ठाक। हम इतनी जल्दी आ गए हैं, आपको ये दिख रहा होगा, ये दुकान अभी लगा ही रहे बंदे, ये बाहर अपनी बोरियाँ ले कर खड़े हुए थे और अभी लगानी शुरू करी है इन लोगों ने। ओली माया, माय माय ओली माया, आई लाइक दिस हाउस, सी मी लाइक माय हाउस, इट्स अ 20 किलोमीटर फ्रॉम द ने इज अ से लिसिया सरसेको के से मोल्डो। तो ये आप देख रहे हो मेरे पीछे सेनोट है, ठीक है, ये सेम आपको मैंने दिखाया था सेंटो डोमिंगो में भी, यहाँ पे ऐसे 4 सेनोटे हैं, एक ये एक हम देखेंगे नहीं, एक सेक्रेड है और एक में नहाएंगे हम। तो भाई अभी तो 40-45 मिनट से हिस्ट्री का लेक्चर ही चल रहा है, उसमें जो जो इंटरेस्टिंग लगेगा मैं आपको उस पिरामिड के पास खड़े होकर बताऊंगा, ये सब कुछ तो हिस्ट्री पूरी जान नहीं इसमें बांट सकता ना मैं। तो ये एक चीज़ मेरे को मस्त क्या लगी, मेक्सिको में इस पार्ट में जो माया का पार्ट है, मतलब माया लोग रहते थे यहाँ पे पहले, बहुत पहले, ठीक है, इस पूरे पार्ट में मेक्सिको के 5 राज्यों में ट्रेन चलने वाली है अगले साल या फिर उससे अगले साल से, मतलब कंस्ट्रक्शन चालू हो चुकी है, 1-2 साल में ट्रेन चल जाएगी यहाँ पे, तो फिर आप मेक्सिको में भी ट्रेन से घूम पाओगे। तो यार 2 साल बाद आना था, मेरी तो ट्रेन फेवरेट है। तो भाई ये जो प्लेस है ना, ये है माया लोगों की, मतलब जो यहाँ के लोग मतलब एथनिक लोग होंगे पहले, तो उन्होंने बनाई थी ये प्लेस, और भाई इसमें चारों तरफ जो सीढ़ियाँ हैं वो हैं हर तरफ 91 सीढ़ियाँ, 91 को 4 से करोगे 364, और ऊपर एक मंदिर में जाने के लिए एक सीढ़ी और है, तो पूरे बनते हैं 365 दिन। पर माया अपना अलग कैलेंडर फॉलो करता था, वो था 18 महीने होते थे उनके कैलेंडर में और 20 दिन पर महीने में होते थे, तो कितने 360, पर उनको दिखा कि भाई जो सूरज है ना वो अपनी जगह पे आता है 365 दिन बाद, तो 5 बचे हुए दिनों को कहते थे कि ये हैं अनलकी दिन, मतलब ये लकी नहीं है। तो अब आप बड़े वाले स्टेप देखोगे तो ये वाले, ये हैं 9 उस तरफ, 9 सीढ़ी के आधे तरफ, 9 सीढ़ी के उस तरफ, 9, तो 18 महीने ये रिप्रेजेंट करते हैं। अबे भाई सारे ताली बजा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आप खड़े होकर ताली बजाते हो तो थोड़ी गूंजती है आवाज़, मतलब चारों तरफ ना कहीं पे भी खड़े होकर ताली बजाओगे सीढ़ियों के पास तो गूंजेगी आपकी कुछ आवाज़, इसलिए सारे ताली बजा दे दे, दे फिर बजाने लग गए, पर इतनी तो नहीं गूंज रही, पर हाँ एक लड़की यहाँ खड़े होकर बजा रही थी ना तो अच्छी खासी गूंज रही थी। भाई देखो ताली बजा रहे हैं ना तो आप सुनोगे तो चिड़िया की आवाज़ आती है वहाँ से जब ताली की आवाज़ गूंजती है। देखो अब दोबारा कर, Try to clap like this. One, two, one, one, one,
आ रही है भाई। भाई ये बंदा बहुत मस्त है, बढ़िया गाइड है, पूरी मेहनत कर रहा है आपको सब कुछ दिखाने के लिए, पर इससे घटिया फोटो मैंने आज तक नहीं खिंचवाई किसी गाइड से भाई। मतलब पता है कैसी फोटो खींची, एक तो भाई पूरा पिरामिड दिख रहा है और उसमें मैं खड़ा हूँ और मेरी सिर्फ मुंडी दिख रही है, सिर्फ जूम कर दिया भाई, सिर्फ और सिर्फ मुंडी दिख रही है। देखो मैं साइड में फ़ोटो लगाता हूँ मैं कह रहा ये पोस्ट कर दूँ क्या इंस्टाग्राम पे। तो मैंने एक अपने साथी बंदा जो टूर पे आ रखा है, मैंने कहा भाई उसको मैंने कैमरा पकड़ाया कि ऐसे खींचनी है, तो उसने ठीक ठाक खींच दी, जो कि आप इंस्टाग्राम पर जाके देख सकते हो, कर लो भाई फॉलो कर लो वहाँ पर। भाई मेक्सिको मैंने मैगनेट नहीं खरीदा, तो यहीं से ख़रीदने का सोचा था मैंने, ऑब्वियस सी बात है यार कि वंडर ऑफ द वर्ल्ड से ख़रीदेंगे। तो यहाँ पे भाई जब हम आए थे ना तो एक भी दुकान नहीं लगी हुई थी, मैं आपको दिखा रहा था कि बना ही रहे हैं दुकान, और देखो इसमें से आवाज़ सी निकालते रहते हैं, ये कहते हैं जैगवार की आवाज़ है, मतलब जो जैगवार गाड़ी है ना, चीता जैसा जो होता है काले रंग का, उस जैसी। तो भाई आप ना मेरी दोनों तरफ जंगल देख रहे होगे, तो हमारा गाइड कहता कि आप इस जंगल में चले जाओ, पर आपको इस पूरे जंगल में जो यूकाटन पेनिनसुला में है आपको कहीं पे भी नदी नहीं मिलेगी, क्योंकि है ही नहीं यहाँ पे कोई नदी। मेक्सिको का मैप देखते हैं हम तो भाई कोई नदी आती नहीं है। तो ये नदियों का सिस्टम क्या है यहाँ पे, यहाँ पे नदियों का सिस्टम है ज़मीन के नीचे, अंडरग्राउंड सिस्टम है, जैसे कि मान लो आप अंदर ही अंदर पानी बह रहा है और उनसे बनते हैं सिनोटेज जो हैं, और यहाँ पे चार सिनोटेज हैं पूरे चिचन इट्ज़ा शहर में, मतलब चिचन इट्ज़ा पिरामिड नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया चिचन इट्ज़ा पूरे एक शहर का नाम है। तो उस पानी वाले में जा रहे हैं हम, जो मतलब ये बड़ा मतलब वो मानते हैं सेक्रेड, सेक्रेड का हिंदी में क्या मतलब होएगा याद नहीं आ रहा मेरे को क्या होता है हिंदी मतलब, तो वहाँ जा रहे हैं, और एक मैंने पहले दिखाया और एक जो बचा है उसमें हम बाद में जाएंगे, उसमें आप नहा भी सकते हो जाके, मतलब तैर वैर सकते हो, खुद की मार सकते हो, जो करना है कर सकते हो, वो भी इस टूर में इंक्लूडेड है। तो भाई आप उस अंदाजे से टूर लेना कि मेरा तो भाई स्पॉन्सर्ड था गेट योर गाइड की तरफ से। गेट योर गाइड एक वेबसाइट है मतलब जहाँ पे आप जाके ना अलग अलग टूर बुक कर सकते हो अलग अलग प्राइस रेंज में, मैंने वैसे भी काफ़ी यूज़ कर रखा था, तो मैंने उनको मेल करा था तो उन्होंने मेरे को स्पॉन्सर कर दिया। तो $35 तो भाई एंट्री टिकट है, ये बात याद रखना। अब जो हम सिनोटे जाएंगे उसकी एंट्री टिकट, मतलब ऑनलाइन उसकी एंट्री टिकट लिख रखी थी शायद 300 पैसों की, ठीक है, तो कितने 900 पैसों तो सीधे सीधे यही हो गए, 4,500 रुपये तो एंट्री टिकट हो गई। फिर आपको 160 किलोमीटर लाना ले जाना, ठीक है, और फिर उसके ऊपर मेरे वाले में इंक्लूडेड है लंच भी कराएंगे ये, तो ये सब हिसाब विसाब जोड़ के जो आपको प्राइस सही सा लगे वो दे देना। पूछ लेना पहले कि आपका टूर क्या है, कि आपको एंट्री टिकट अलग से देनी है, सिर्फ लाने ले जाने का है गाइड के साथ, या फिर आपको एंट्री टिकट अलग से देनी है, फिर इंक्लूडेड है, तो जितना आपको रेट सही सा लगे एक बार ऑनलाइन चेक कर लेना और एक बार ऑफलाइन मार्केट में भी जाके चेक कर लेना, तो जो उनसे आपको सही लगे वो ले लेना। ये भाई बताता हूँ मैं, रे मिस्टीरियो के मास्क लग रहे हैं ना, ये देखो भाई ये सारी दुकानें बेच रही हैं मास्क। आपको WWE कोई देखता हो बचपन में, भाई मेरे एज के ही होंगे जितने लोग देख रहे हैं, तो ये सारे WWE वाले मास्क हैं। ये क्या है कि यहाँ पे फाइट होती है भाई ये मास्क पहन के, जैसे आपने रे मिस्टीरियो आपको याद होगा WWE में, तो लूचा लिब्रे कहते हैं उस फाइट को, मतलब ऐसे स्क्रिप्टेड सी होती है कि तू मुक्का मारेगा मैं ऐसे गिर जाऊँगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इसका आप एक्सपीरियंस मेक्सिको सिटी में आप ले सकते हो, काफ़ी हॉस्टल वगैरह मतलब टूर वूर करा रहे थे, पर मैं इतना इंटरेस्टेड था नहीं कि भाई, क्योंकि मैंने देख रखी है ऐसी फाइट, अब बैठ के मतलब हंसी मजाक सा होता है, पर हाँ अगर एक्सपीरियंस लेना ही है तो देख सकते हो। ये आ तो गया यार एक सिनोटे, इसमें नहाना वाना अलाउड नहीं है, और ये लग भी गंदा सा रहा है, मेंटेन नहीं कर रखा, तीसरे वाला जिसमें नहाएंगे ना वो अच्छा है। तो भाई जो यूकाटन स्टेट की कैपिटल है उसका नाम है मेरिदा, जो मैं पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर रहा था मेरिदा के बारे में, वहाँ भी फ्लाइट्स आती हैं। तो वो सिटी तो भाई पाई गई थी 1500 के करीब, 1500 में डिस्कवर करी थी वो सिटी, और जो कैनकून है वो पता है कब बनी है, 1974 भाई, 50 साल भी नहीं हुए अभी तक कैनकून को बने हुए, और देख लो कितनी फेमस हो गई है। और कैनकून का मतलब कुछ बता रहे थे, ये जहरीला सांप पता नहीं क्या मतलब सा बताया था कैनकून का, कैन का कुछ और मतलब होता है, कून का कुछ और। तो कैनकून तो अभी बनी है भाई। ये है भाई वो पिरामिड,
ये 91 स्टेप्स होते हैं चारों तरफ, 91 91 91 91, और एक इस मंदिर में पहुंचने के लिए तो 365 बनते हैं। ले सकते हो यार, और इतने महंगे नहीं है, अभी मैं खरीदूंगा फिर प्राइस बताता हूँ। भाई यहाँ पे भी अफ्रीका की तरह देखो कितने सारे मास्क। इस पैसों का मैग्नेट तो ले लिया मैंने, पर ये पत्थर से बना हुआ है और ये सबसे सस्ता ही था, और सब लोग 100-100 पैसों बोल रहे थे, तो मैंने 20 में ये वाला ले लिया, ना नहीं टूटेगा। ये मास्क भी ले लिया मैंने, ये इन्होंने 50 का दिया है, कोई सा ले लो 50 का, 100 बोल रहे थे पहले, सही है 50 में क्या ही जा रहा है। ये मास्क बस मैंने ऐसे ही ले लिया, अच्छा लग रहा था, और यार सस्ता है 50 पैसों में और क्या मिलेगा। मैं पहले 100 बोला, फिर मैं जाने लगा 70 50, और भी कम हो जाता है यार, अब 50 से कम में और क्या ही कराऊं, मतलब सेंस नहीं बन रही थी 50 से कम, मतलब 50 × 200 220 रुपए का बस, तो ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ग्रुप टूर हो गया ख़त्म, मतलब यहाँ का, अब इसके बाद हम जाएंगे सेनोटे, फिर जाएंगे लंच करने, मतलब शायद पहले लंच करें फिर सेनोटे जाएं, कुछ ऐसा है, तो चलो चलते हैं। ये है भाई एक स्टेडियम, यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पे दो टीम होती थी 7-7 प्लेयरों की, ये स्टेडियम है, और यहाँ पे जनता बैठ के देखती थी। अब एक बॉल होती थी उनके पास, अब वो देखो वो है एक छेद उस तरफ है और एक छेद उस तरफ है। भाई लोगों को अपने हाथ के अलावा कोई भी बॉडी पार्ट यूज़ करके उसमें से बॉल पार करानी होती थी, जो टीम करा देती थी वो टीम जीत जाती थी। अजीब ही गेम है भाई, और मुश्किल भी लग रहा है मेरे को तो यार ये। तो भाई यहाँ पे जो ये सोवीनियर वगैरह थे ना, ये मेरे को काफ़ी सही लगे, लोग भी यहाँ पे बेचने वाले, कोई भी मतलब आपके चेप नहीं होएगा, आप जाके देख लोगे दुकान पे, बिल्कुल कम वॉल्यूम में आपसे बात करेंगे, सर ले लो 50 सर ले लो, कोई मतलब ऐसा हड़बड़ाएगा नहीं मतलब, और आप पे चिल्लाएगा नहीं कोई भी, तो ये मेरे को यहाँ पे बहुत सही बात लगी, और कोई आपसे ज़बरदस्ती नहीं करेगा, हेलो सर ये चाहिए कितने में दूंगा, ठीक है कम कर देता हूँ, ये नहीं बोलेंगे कि आपको कितने देना है, क्योंकि इनको पता है मेरे को नहीं आती स्पेनिश, तो फिर मतलब बिल्कुल मेरे को बहुत अच्छा लगा मतलब यहाँ पे ना, इसलिए मैंने उस बंदे से खरीद लिया, बिल्कुल ऐसे हो गया था बंदा कि भाई ले लो, और कोई मतलब अकड़ से में आ जाए फिर मैं नहीं लूँगा भाई, तो यही है यार ग्राहक को तो मतलब बस यूरोप के अलावा और अमेरिका के अलावा ग्राहक को मतलब बुद्धू मानते हैं, और देशों में तो मतलब ग्राहक भगवान ही। सुबह आए थे तो हम, ये तो खाली पड़ा था देखा होगा आपने, और अब देखो पैर मतलब गाड़ी तो पार्क करने की जगह छोड़ ही दो, यहाँ भीड़ भड़क का मच गया अब तो अभी काफ़ी ज़्यादा टूर्स आ रहे होंगे। तो ये हमारे भाई सेनोटे में, और यहीं पे हमारा खाना पीने का इंतज़ाम है, यहीं पे सेनोटे है। अब मेरे पास स्विमवियर तो है नहीं, जो मतलब खैर है तो इन गोरों के पास भी नहीं है भी, मतलब इनका कैपरी सी है, पर मेरे पास है ही नहीं, मैं यार इस बार ला नहीं भूल गया, ये सबसे बड़ी गलती कर दी मैंने, इस ट्रिप पे ज़्यादा ज़रूरत थी। और चलो कोई नहीं, देखेंगे चड्डी में घूस सकते हैं, तो मैं अपने एक्स्ट्रा चड्डीज तो लेके आया हूँ, टॉवल भी लेके आया हूँ। ये है भाई सेनोटे देखो, और लोग भाई जैकेट वैकेट आपका वो प्राइस में इंक्लूडेड है, और लॉकर भी प्राइस में इंक्लूडेड है, तो भाई खाना भी इसमें पूरा इंक्लूडेड है। अबे यहाँ तो अच्छा, इनको बताना पड़ेगा कि हमको ये चाहिए। तो भाई ये है सेनोटे, और मज़ा आ रहा है भाई, मैं तो यहाँ पे जंप कर लिया। तो मेरे साथ ना दो बंदे थे, मैंने उनको फ़ोन दे दिया कि तुम जब नीचे आओ तो ले आना, क्योंकि ये मतलब दोनों जा नहीं रहे हैं, तो मैं करता हूँ जंप। भाई सेनोटे के अंदर आने का रास्ता बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं और स्लिपरी हैं, अब जाके नहाते, और मेरे को थोड़ी चोट भी लग गई यार। तो भाई सेनोटे में बड़ा मज़ा आया, और मैं तो अपनी वीडियो देख देख के उसके पागल हो गया हूँ भाई, मैं कैसे पागलों की तरह कूदा हूँ, क्योंकि जैसे मतलब शुरू में जब कूदने का होता है तब दिमाग में डर नहीं होता, फिर एकदम से देखते भाई ज़मीन ख़त्म, फिर वो डर सा आ जाता है एकदम से, फिर अब स्पीड में होते हैं रोक सकते नहीं हैं, तो ऐसा ही कुछ जंप सा होता है फिर। चलो कोई नहीं, बड़ा मज़ा आया भाई मेरे को, सब चीचे नीट सा ज़्यादा यहाँ मज़ा आया, कल भी एक सेनोटे जाऊँगा मैं शायद सुबह उठ के, तो देखते हैं, क्योंकि ब्लाई नहीं वाया दोइद में काफ़ी सारे सेनोटेज हैं, एक है 15 मिनट दूर है व्याई दोइद से, जहाँ पे पंजाबी गया था तो उसने रिकमेंड किया है, काफ़ी अच्छा है, वहाँ चलेंगे का।
भाई वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको कहा था ना कि मैं मेक्सिको गांव में रुक जाऊंगा जो चीटन इट्जा के पास है, तो 40 किलोमीटर दूर मेरे को मेरी टूर वैन छोड़ के जा गई, चली गई कैनकुन की तरफ और मैं यहाँ पे उतर गया। अब यहाँ से जो मेरा होटल है मैंने गूगल मैप पे देखा, दिखा रहा है 5 किलोमीटर, और हमारा मेरा गाइड मेरे से कह रहा टेंशन मत ले तेरा होटल जो है वो 1 किलोमीटर है बस। हेलो, अरे चला गया, चल भाई क्यों चला गया, रुक जा टैक्सी वाले। तो भाई टैक्सी मिल गई यहाँ पे, ये चाहता तो मैं से ज़्यादा रुपए ले सकता था पर इसने 20 ही मांगे, तो 5-1 किलोमीटर है, सीट बेल्ट लगा लूँ मैं यहाँ पे। भाई ठीक ठाक चला, मतलब रूल फॉलो करता है, चलो पहुँच जाएंगे फिर जहाँ पे छोड़ेगा सेंटर में, वहाँ से 1 किलोमीटर पैदल चलना होगा मुझे। भाई इस टैक्सी वाले ने मेरे को यहाँ उतार दिया, लेकिन इनका टैक्सी स्टैंड सही है मेरे हिसाब से, ये 20 पैसे लिए और खुद से 20 बोले, मेरे बार्गेनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी 20 से, मतलब इनका शायद फिक्स है प्राइस 20 ना, 20 से कम नहीं लेते होंगे, कितने हुआ 20, 90 रुपये करीब हुआ। तो मैंने कहा ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे अंग्रेज आते हैं भाई क्योंकि ये एक हिस्टोरिक टाउन। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, आई होप आपको चिचन इट्जा की वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं आपको अभी वीडियो में दिखाऊँगा, ये एक छोटा सा गाँव है, गांव का मतलब यार ये नहीं है कि झुग्गी झोपड़ी होंगी, मतलब बिल्कुल ही गांव होगा, गांव का मतलब छोटा शहर कैसे होते हैं, छोटे टाउन में लोग कैसे रहते हैं, वो आपको देखने को मिलेगा अगली वीडियो में।